हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अप्लाइड जूलॉजी, और यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ जो है डिस्कस कर लिया है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैरासिटिक प्लेटीहेलमिंथ्स। तो इसके पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है एक बार मैं आपको रिकैप करा देती हूँ। तो देखो, अप्लाइड जूलॉजी में हमने जो है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, फिर यहाँ पे पैरासिटिक प्रोटोजोआ डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे पैरासिटिक हेलमिंथ्स और इंसेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, और इसके अलावा इंसेक्ट ऑफ मेडिकल इम्पॉर्टेंस, ये भी हमने जो है डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमारा रह जाएगा एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिश टेक्नोलॉजी। अब देखो और क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया है। सेरीकल्चर डिस्कस हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज कंप्लीट हो चुका है। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। इम्यूनोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें से कुछ भी नहीं रह रहा, सब कुछ हमने पूरी तरह से फिनिश कर लिया है। अब देखो, रही बात एक्वेटिक बायोलॉजी की, तो आप लोगों में से मतलब किसी ने बोला कि ये जो है एक लेक्चर का काम है, इसको पढ़ा दो जल्दी से। तो ये जो है देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, ये टॉपिक जो है कुछ ऐसा है। देखने में तो ऐसा लग रहा कि मतलब बहुत छोटा सा है, एक लेक्चर में हो जाएगा, लेकिन ये जो आपको दिख रहा फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मेराइन बायोलॉजी, तो ये क्या है, मतलब ये कंप्लीट एक बुक है। अब उसमें से हमको निकालना है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो ये इतने मतलब जितने हल्के से दिख रहे हैं, इतने हल्के हैं नहीं, मतलब इतने छोटे नहीं हैं। ये जो है काफ़ी मतलब डेप्थ है इसमें। तो हम जो है देखेंगे कि हमको कितना पढ़ना कितना नहीं, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो और यहाँ पे हमने जो है क्या डिस्कस कर लिया है, बोन एंड कार्टिलेज भी पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। अब रह रहा हमारा एनिमल डाइवर्सिटी, फिर यहाँ पे फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, यानी तीन से चार टॉपिक और रह रहे हैं जो हमको करने हैं। बाकी आज के लेक्चर में पैरासिटिक हेलमिंथ्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पैरासिटिक प्लेटीहेलमिंथ्स में हम डिस्कस करेंगे बुचेरेरिया बैंक्रॉप्टाई। अभी जो है आप एक एक को अच्छे से देखते जाओ, जैसे मैं जो जो टॉपिक करा रही हूँ आप उसको अच्छे से देखते जाओ। जैसे हमने कल के लेक्चर में लीशमानिया डोनोवानी और उसके अलावा जियार्डिया किया था, तो आप जो है उसको कर लिए, मतलब अच्छे से समझ लिए, काम खत्म। अब जो है आज के लेक्चर में हम बुचेरेरिया बैंक्रॉप्टाई को अच्छे से समझेंगे, और लास्ट में मैं एक रीकैप करा दूंगी जहाँ पर जो है हमने पैरासिटिक प्रोटोजोआ में क्या डिस्कस किया है, हम जो है पैरासिटिक हेलमिंथ्स में क्या क्या डिस्कस किया है, सब एक जगह समराइज कर दूंगी। इससे आपको एक मतलब और बेनिफिट हो जाएगा याद करने में। और हाँ, जैसे हम पढ़ते हैं कि कुछ डाइजेनेटिक होते हैं, कुछ मोनोजेनेटिक होते हैं, या फिर किस किस से क्या क्या डिजीज होता है, इन सारी चीज़ों को हम जो है एक साथ में समरी के रूप में डिस्कस कर लेंगे। तो इससे आपका जो कुछ भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। तो अब देखो, जो बुचेरेरिया बैंक्रॉप्टाई होता है, इसको हम फिलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलेरियल वॉर्म। वॉर्म मीन्स कीड़ा, फिलेरियल यानी मतलब फिलेरियल वॉर्म। अब देखो, इसका हैबिटेट क्या होता है, यानी ये रहता कहाँ पे है। तो ये जो एडल्ट वॉर्म होता है, ये लोकेटेड होता है लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड में। कहाँ पे? लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड में। देखो, आपको भले ही ये मतलब हल्के लग रहे हों, लेकिन ये मेन पॉइंट हम जो है नोट्स में इंक्लूड करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी पीडीएफ से देख ही लेंगे, मतलब कुछ नए एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी मिलेंगे। अब देखो, जो माइक्रोफिलेरिया होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फाउंड इन ब्लड। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फाउंड इन ब्लड, यानी ब्लड में प्रेजेंट होता है। जो एडल्ट वॉर्म होता है वो लॉन्ग होता है, क्रीमी वाइट होता है, थ्रेड लाइक फिलीफॉर्म होता है, और इसका जो इंड होता है वो टेपरिंग होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है देखो, कुछ ये जो फिलेरियर वॉर्म है कुछ ऐसा सा होगा। अब देखो, मतलब टेपरिंग मीन्स क्या होता है? नुकीला, यानी इसका जो जो इसका इंड है ये कैसा है? नुकीला है, लेकिन बीच में कैसा है, ये देखो मोटा सा है। तो यही है मतलब टेपरिंग इंड, और थ्रेड लाइक मतलब ये एक धागे के जैसे बहुत पतले से होते हैं, ऐसा नहीं बहुत मोटा सा नहीं होता, ऐसे मोटा सा नहीं होता, एकदम धागे नुमा इनका स्ट्रक्चर होता है। वो तो हम डिस्कस करने के लिए मतलब थोड़ा मोटा बनाएंगे, लेकिन जो है ये होते हैं बिल्कुल थ्रेड लाइक, और क्रीमी वाइट कलर के होते हैं और लॉन्ग होते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये जो है इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी जो सेक्सेज होते हैं सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो अब देखो, जो मेल होता है
मेल वर्म जो होता है फिलेरियर वर्म का वो छोटा होता है और जो फीमेल वर्म होता है वो बड़ा होता है। तो जो मेल वर्म होता है उसकी लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर, लेकिन जो फीमेल वर्म होता है उसका लेंथ होता है 6 to 10 सेंटीमीटर। और अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये जो मेल वर्म होता है उसकी थिकनेस होती है 0.1 mm, और जो फीमेल वर्म है इसकी थिकनेस होती है 0.2 to 0.3 mm। तो यहाँ पे आपको लेंथ और विड्थ तो पता चली गया। अब हम कह सकते हैं कि जो मेल वर्म है वो स्मॉलर देन फीमेल, यानी फीमेल से मेल जो है वो छोटा होता है। फीमेल वर्म आर वीविपेरस एंड दे डिस्चार्ज एम्ब्रियो, ये जो है वीविपेरस होते हैं और एम्ब्रियो को डिस्चार्ज करते हैं। अब देखो यहाँ से अब तक हमने जो भी पढ़ा मतलब पैरासिटिक प्रोटोजोआ में, आपको कहीं भी लार्वा जैसा वर्ड नहीं आया होगा, लेकिन जो प्लेटी हेलमिंथ्स होते हैं इनमें लार्वा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो हमारा बुचरेरिया बैंक्रोप्टाई है उसका लार्वा क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, माइक्रोफिलेरिया। क्या होता है, माइक्रोफिलेरिया, माइक्रोफिलेरिया लार्वा, याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये जो माइक्रोफिलेरिया है क्या है, फिलेरी फॉर्म लार्वी इन्फेक्टिव टू ह्यूमन। ये जो लार्वा होता है माइक्रोफिलेरिया, यही जो है इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमन में। अब देखो माइक्रोफिलेरी जो है सॉरी यार, डायग्नोस्टिक फॉर्म फाउंड इन ब्लड, लेंथ इसका कितना होता है 242 to 300 माइक्रोमीटर, और जो थिकनेस होती है माइक्रोफिलेरिया की वो होती है 7 to 10 माइक्रोमीटर। तो इसका जो लार्वा होता है कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे क्या, ये है हमारा माइक्रोफिलेरिया लार्वा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो है, नर्व रिंग है, एक्सक्रीटरी पोर है, जेनाइटल पोर है, और यहाँ पर भी जेनाइटल पोर है। तो जेनाइटल पोर 1 है और 2, 3, 4 इस तरह से यहाँ पे जेनाइटल पोर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है कुछ इस तरह से माइक्रोफिलेरिया का स्ट्रक्चर होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो प्राइमरी होस्ट होता है यानी जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो होता है मैन, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है मॉस्किटो। क्या होता है, मॉस्किटो। तो जब मैं आपको समरी लेक्चर प्रोवाइड करूँगी तो वहाँ पर मतलब किसके क्या क्या होस्ट हैं उसको भी जो है समराइज कर लेंगे। तो अभी के लिए बस देखते जाओ, कन्फ्यूज मत होना। मॉस्किटो में क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं, क्यूलेक्स एंड एडीज। अब यहाँ पे जो इन्फेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है थर्ड स्टेज लार्वा। अब आपको आपके दिमाग में थर्ड स्टेज सुनते ही आ रहा होगा कि फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज कहाँ गया, तो उसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मतलब कौन से स्टेज का लार्वा जो है माइक्रोफिलेरिया में क्या होता है, इन्फेक्टिव फॉर्म में होता है। तो याद रखना जो थर्ड स्टेज लार्वा होता है वही इन्फेक्टिव फॉर्म में होता है, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, मॉस्किटो में। अब देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी ये कैसे फैलता है। तो L3 स्टेज लार्वी जो है पिनेट्रेट स्किन बाई इंसेक्ट बाइट, यानी जो मॉस्किटो है जब वो किसी ह्यूमन को बाइट करेगा तो जो L3 यानी थर्ड स्टेज लार्वा है वो प्रेजेंट वो मतलब मनुष्य के किस में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, फिर इस तरह से वो जो है ट्रांसमिट हो जाएगा। अब अगर बात करें डिजीज की तो इसके नाम से ये जैसे है ना बुचरेरिया बैंक्रोप्टाई, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलेरियल वर्म। तो फिलेरियल वर्म क्या कॉज करता है, फाइलेरियोसिस। क्या करता है, फाइलेरियोसिस। तो ऐसे करके इसको याद रखना, और इसी को हाथी पांव भी बोलते हैं। और इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, यानी 8 to 16 मंथ। मैंने आपको बताया है इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जैसे मान लो आज आपको मच्छर ने कट किया जो कि इन्फेक्टेड था L3 स्टेज लार्वा से, तो ऐसा नहीं है कल ही आपको फिलेरिया हो जाएगा, उसको मतलब होने में कम से कम 6 to 18 मंथ जो है लगते हैं। तो अब देखो अगर हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की, तो किस तरह से इन्फेक्शन होता है। देखो सबसे पहले क्या है, मॉस्किटो है, उसके गट में क्या प्रेजेंट है, L3 स्टेज लार्वा। क्या है, L3 स्टेज लार्वा। तो ये जो है यहाँ पे लार्वा क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है इसके गट के अंदर में। तो अब जब है ये किसी मनुष्य के ब्लड को क्या करेगा, सक करेगा, तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे जब ये ब्लड को सक कर रहा है, ये है मॉस्किटो, जब ये जो है ब्लड को सक कर रहा है तो क्या हो रहा है, जो यहाँ पे L3 लार्वा है जो यहाँ पे इसके
प्रोबोसिस ग्लैंड में प्रेजेंट है क्या एल थर्ड लार्वा, वो क्या होगा। जैसे हमारा जो स्किन होता है यहाँ पे लेयर्स होते हैं, जो आउटर लेयर होती है यानी जो ऊपर की लेयर होती है वो होती है इपीडर्मिस, और जो इपीडर्मिस से नीचे होती है वो होती है डर्मिस। इपीडर्मिस, डर्मिस के बाद, इपीडर्मिस के बाद डर्मिस। देखो ईपी मीन्स मैंने बताया है आउटर सरफेस पे, जब कोई भी चीज़ आउटर सरफेस पे प्रेजेंट हो वो होता है ईपी। ईपी मीन्स अपान, यानी हमारे स्किन के सरफेस पे जो है वो है इपीडर्मिस, और इपीडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है डर्मिस। तो ये जो है डर्मिस वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और लिम्फ वेसल्स होते हैं। जो जैसे यहाँ पे ये रेड कलर का ब्लड वेसल्स हो गया और ये जो है ब्लू कलर का लिम्फ वेसल हो गया। तो हमारे डर्मिस रीजन में ब्लड वेसल्स या फिर लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो है जब मच्छर, जो मॉस्किटो है वो डर्मिस लेयर में इंजेक्ट कर देगा किसको, एल थर्ड लार्वा को। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है एल थर्ड लार्वा जो कि अब हमारे डर्मिस रीजन में आ गया। तो अब ये यहाँ पे करता क्या है, अब जैसे देखो ये जो है डर्मिस रीजन में जब ये आया, ये लार्वा यहाँ पे आया तो यहाँ पे होती है थर्ड मोल्टिंग, फिर फोर्थ मोल्टिंग, फिर यहाँ पे ये जो है कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट लार्वा में। अब यहाँ पे ये दो क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, इस वजह से हमने दो बनाया है। फिर इनके बीच में मेटिंग होगी यानी रिप्रोडक्शन होगा, और यहाँ पे बन जाएगा तब माइक्रोफिलेरिया लार्वा। तो यहाँ पे देखो जब हमारे यहाँ पे डर्मिस रीजन में क्या आया, जो यल थर्ड लार्वा है जब वो हमारे डर्मिस में आया तो यहाँ पे थर्ड मोल्टिंग हुई, फोर्थ मोल्टिंग हुई, फिर ये एडल्ट में कन्वर्ट हो गए, और एडल्ट में जब कन्वर्ट हुए आपस में मेट किए और क्या बना लिए, माइक्रोफिलेरिया लार्वा। तो आपके दिमाग में अब चल रहा होगा थर्ड मोल्टिंग, ये मोल्टिंग क्या है, मतलब मोल्टिंग क्या है। तो देखो जैसे सांप होता है, सांप स्नेक, तो उसके ऊपर होती है ना हम बोलते हैं केचुली, जो केचुली होती है, जब सांप जो है छोटा होता है तो उसके ऊपर केचुली होती है, जब वो ग्रोथ करता है, जब वो बड़ा होता है तो उसकी केचुली सेट ऑफ हो जाती है, हम बोलते हैं कि सांप ने केचुल उतार दिया, ऐसे करके बोलते हैं। यानी जो वो केचुल उतारने की प्रक्रिया है, जो केचुली उतारने की, छोड़ने की प्रक्रिया है वो क्या है, वही होती है मोल्टिंग। तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी मोल्टिंग होती है। जैसे देखो मान लो ये एक स्नेक है और इसके आउटर सरफेस पे इस तरह से क्या प्रेजेंट है, केचुली। लेकिन अब ये जब सांप जो है ये बड़ा हो गया तो अब ये जो आउटर लेयर है वो छोटा पड़ गया, तो ये जो है आउटर लेयर निकल जाएगा और फिर से एक नया लेयर बनेगा जो पूरी तरह इसको कवर करेगा। अब मान लो सांप और बड़ा हो गया, अब फिर से इसकी आउटर कवरिंग छोटी हो रही, अब फिर तब ये फिर से सेड ऑफ हो जाएगा, मतलब जो आउटर सरफेस है फिर से निकल जाएगा और फिर से यहाँ पे बनेगा जो कि इसको पूरी तरह से कवर करेगा। तो यही होता है मोल्टिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, मोल्टिंग होता है थर्ड मोल्टिंग, फोर्थ मोल्टिंग, मतलब तीन चार मोल्टिंग के बाद, मतलब तीन चार बार ये जो है अपने स्किन को सेड ऑफ करते हैं, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट में। एडल्ट में जब कन्वर्ट होते हैं तो मेल और फीमेल फिलेरियल वॉर्म क्या करते हैं, मेट करते हैं और क्या बनाते हैं यहाँ पे, माइक्रोफिलेरिया लार्वा। अब जो माइक्रोफिलेरिया लार्वा है ये हमारे ब्लड वेसल्स में क्या करती है, इस तरह से आ जाती है। अब जब जो है कोई भी मॉस्किटो हमारे ब्लड को सक करेगा तो ये जो माइक्रोफिलेरिया लार्वा है वो उसके गट में चला जाएगा। अब जब इसके गट में गया ये माइक्रोफिलेरिया लार्वा तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो लार्वा है ये इस तरह से मतलब मोल्टिंग कर करके चेंज हो जाएगा किसमें, मतलब थोरेसिस मसल्स में जाएगा और ये चेंज हो जाएगा एडल्ट में। जब ये एडल्ट में चेंज हो रहा है, जो आपको ये मैंने तीन चार स्टेजेस दिखाए हैं यहाँ पे, ये सब क्या है, सबसे पहले क्या बनता है, डायरेक्ट ये एडल्ट नहीं बनते हैं, यहाँ पे पहले L1 यानी फर्स्ट मोल्टिंग होती है तो L1 लार्वा बनता है, सेकेंड मोल्टिंग के दौरान L2 स्टेज लार्वा बनता है, फिर थर्ड के मतलब थर्ड या फोर्थ के दौरान क्या बनता है, L3 लार्वा। तो इस तरह से जो है ये स्टेजेस होते हैं L1, L2, L3 यानी इनके मोल्टिंग के हिसाब पे। तो थर्ड फोर्थ इस तरह से जो मोल्टिंग होता है उस बेस पे हम जो है L1 स्टेज लार्वा, L2 स्टेज लार्वा इस तरह से इसको नाम देते हैं। तो जब ये जो है L3 स्टेज में पहुंचता है तब ये इन्फेक्शन जो है कॉज कर सकता है, इसके पहले ये इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। तो इसी वजह से हमने देखा था कि इसका जो L3 स्टेज लार्वा है वो जो है इन्फेक्शियस होता है ह्यूमन के लिए। आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे जो फाइलेरियासिस होता है यानी जो हाथी पाव डिजीज होता है उसमें जो पैर हैं वो हाथी जैसे हो जाते हैं, तो ये होते क्यों हैं। तो यहाँ पे देखो ये है हमारे ब्लड वेसल्स और ये है हमारा लिम्फ वेसल। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे RBC प्लाज्मा ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे जो पोर्स होते हैं इनके थ्रू जो मटेरियल है वो जो है एक्सचेंज होता रहता है लिम्फ वेसल से, और लिम्फ वेसल में जो प्लाज्मा है, लिम्फ है, ये सारी चीज़ें फिर से जो है वापस से जाती हैं ब्लड वेसल्स में। तो इस तरह से ये एक्सचेंज होते रहते हैं और कंसंट्रेशन क्या रहता है, मेंटेन रहता है, मतलब जितनी चीज़ें जाती हैं वापस आ जाती हैं, इस तरह से मेंटेन रहता है। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल केस।
लेकिन अगर मान लो यहाँ पे क्या आ गया, मतलब फाइलेरियासिस हो गया, जो ये मतलब वुचरेरिया है, बैंक्रोफ्टाई है, वो आ गया, उसका लार्वा आ गया, तो क्या होगा? जो ये मतलब यहाँ पे देखो एडल्ट वुचरेरिया प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, जो हमारे वॉल्स होते हैं, जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स के वॉल्स होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं, डायलेट। अब तो आपको डायलेशन का मतलब समझ में आया होगा, मैंने आपको वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन, ये दो टर्म बताए थे। तो कंस्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ना और डायलेशन मतलब फैलना। तो ये हमारे ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, फैला देते हैं, यानी उनको चौड़ा कर देते हैं। तो मैंने आपसे बताया था अगर एक पतली पाइप है तो उससे कम पानी जाएगा, लेकिन अगर एक चौड़ी पाइप है उससे ढेर सारा पानी जाएगा। तो ठीक इसी तरह से जब हमारा ये ब्लड वेसल्स ये लिम्फ वेसल जब डायलेट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, ढेर सारा फ्लूइड भर जाएगा। और इसी वजह से क्या होता है, इस तरह से आप देखेंगे ये जो लेग्स होते हैं वो हाथी के जैसे दिखने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है फ्लूइड भर जाते हैं। और देखो मेल के केस में क्या होता है, केवल पैर ही नहीं, वो टेस्टिस भी क्या होता है, मतलब इनका भी साइज एनलार्ज हो जाता है। और अगर हम बात करें वीमेन के, यानी फीमेल के केस में, जो मेमरी ग्लैंड होता है वो जो है एनलार्ज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब देखो जो मॉस्किटो होता है यहाँ पे एडीज, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है इसके गट में क्या प्रेजेंट होता है, एल थर्ड स्टेज लार्वा, यानी लार्वा ऑफ बुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई। अब जो है इसको पीडीएफ से डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि जितना मैंने आपको बता दिया मोर देन सफिशियंट, लेकिन हो सकता है पीडीएफ में कुछ नई चीज़ें मिल जाए तो वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो विचरेरिया की बात करें तो फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको फिर से बताई हैं कि क्लासिफिकेशन हम सारे जो जितने भी पैरासिटिक यहाँ पे पैरासिटिक प्रोटोजोअन और पैरासिटिक हेलमिंथ जो भी डिस्कस करेंगे उनको एक साथ करेंगे। तो अभी के लिए क्लासिफिकेशन छोड़ दो, इसको एक साथ करेंगे तो आपके लिए याद रखना इजी हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसके जनरल करेक्टरिस्टिक पे। तो देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखना कि ये क्या है, एक वॉर्म है, एक कीड़ा है, जो कि हमारे मतलब चाहे वो ब्लड को सक कर रहा है या इंटेस्टाइन में रह रहा है, जहाँ भी रह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ब्लड को फीड कर रहा है। तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप सोचो कि जो मतलब कोई भी कीड़ा हमारे अंदर है, कोई भी वॉर्म है, तो वो जो है हमारे ब्लड को सक कर रहा है, यानी हमारे ब्लड में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। तो जब ये हमारे ब्लड को सक करेंगे तो उससे जो है इनको न्यूट्रिएंट मिलेगा अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या होगा, मतलब इनको कहीं बाहर से तो खाना खुद से तो नहीं बनाना पड़ रहा, ये बना बनाया खाना ले रहे हैं, तो क्या होगा। तो इस चीज़ को दिमाग में रख के इनके पॉइंट को पढ़ना तो और इजी हो जाएगा आपको इसको पढ़ पाना। अब देखो हमने आपको बताया डाइजेनेटिक नेमेटोड पैरासाइट होते हैं, मतलब डाइजेनेटिक होते हैं, ये दो होस्ट होते हैं इसके, एक मैन हो गया, एक मॉस्किटो हो गया। इंडो पैरासाइट, इंडो मींस क्या होता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, हमने अप्लाइड जूलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में ही ये इंडो पैरासाइट, इक्टो पैरासाइट, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो अब देखो ये जो है इंडो पैरासाइट होते हैं किस पे, ह्यूमन ब्लड पे एंड लिम्फेटिक सिस्टम पे। प्राइमरी होस्ट मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट इनवर्टिब्रेट यानी मॉस्किटो होता है। फिर यहाँ पे देखो ये जो क्रीमी वाइट कलर, सिलेंड्रिकल, फिलेरियल वॉर्म, ये सब डिस्कस कर ही लिए हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं, फीमेल लॉन्गर होती है मेल से, ये भी डिस्कस कर लिया। इसका जो लार्वा होता है वो होता है माइक्रोफिलेरिया। पॉली एम्ब्रियोनियो अकर्स, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ मेनी लार्वल स्टेज, अभी मैंने आपको बताया L1 स्टेज, L2 स्टेज, L3 स्टेज, यानी यहाँ पे बहुत सारे लार्वल स्टेज हैं, इस वजह से यहाँ पे पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। इस वर्ड को याद रखना, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनियो। हो सकता है आपसे पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट पॉली एम्ब्रियोनी, और चार ऑप्शन दे देंगे, तो आप याद रखना पॉली एम्ब्रियोनी किसमें होता है, बुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई में। यहाँ पे एक पॉइंट और देखो, सीथ कवरिंग ऑन माइक्रोफिलेरिया फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। हाँ, मैंने आपको जैसे इम्यूनोलॉजी में बताया कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जब भी बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आएगा उसको डिस्ट्रॉय करके उसको ख़त्म कर देगा, लेकिन आप सोचो कि जब माइक्रोफिलेरिया आया, लार्वा आया, तो उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जो माइक्रोफिलेरिया है उसके बाहर में एक सीथ होती है, एक कवरिंग होती है, जो उसको जो है प्रोटेक्ट करती है हमारे इम्यून सिस्टम से, इस वजह से वो हमारे अंदर जो है हमको इन्फेक्ट कर पाते हैं। एडहेसिव स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, देखो अब जो है अगर उनको हमारे इंटेस्टाइन या कहीं भी रहना हमारी बॉडी के अंदर, तो चिपकने के लिए कुछ चाहिए होगा। तो क्या होता है, इनके अंदर में एडहेसिव स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इनको अटैच होने में हेल्प करते हैं होस्ट से। फिर यहाँ पे देखो थ्री डिफरेंट फिलेरियल स्पीसीज दैट कॉल्ड लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इन ह्यूमन, मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड आर कॉज्ड बाई बुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई, ये सब तो हमने देख ही लिया। इसके अलावा ब्रुगिया मलाई और ब्रुगिया
तिमोरी है, इसको आपको याद रखने कोई ज़रूरत नहीं है। लिम्फैटिक फाइलेरियोसिस क्या है, इसको जो है ग्लोबली कंसीडर किया जाता है, ये सब छोड़ दो। पैरासिटिक डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोस्कोपी थ्रेड लाइक वॉर्म, एडल्ट वॉर्म ओनली लिव इन द ह्यूमन लिम्फ सिस्टम, ये भी हमने देख लिया, मतलब लार्वा कहाँ रहता है और जो एडल्ट है वो कहाँ पर रहता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो इसको जो है वही सब कुछ लिखा है जो मैंने आपको बता दिया, आप चाहो तो पॉज करके जो है पढ़ लो। अब यहाँ पे देखो, जो पीपल मतलब जिनमें ये डिजीज होती है फाइलेरियासिस, उसमें वो सफ़र करते हैं किससे, लिम्फीडीमा, एलिफेंटियासिस जिसको हम बोल सकते हैं, स्वेलिंग ऑफ स्क्रॉटम जिसको बोलते हैं हाइड्रोसील, जैसे अभी हमने देखा ना, मतलब इनमें जो है हाथी पाँव हो जाता है हाथी के जैसा, इस वजह से इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस। और जो स्वेलिंग ऑफ स्क्रॉटम होता है उसको एक टर्म यूज करते हैं उसके लिए, क्या होता है हाइड्रोसील, क्या होता है हाइड्रोसील। लिम्फैटिक फाइलेरियासिस इज लीडिंग कॉज ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड, यानी जैसे अगर किसी को हो गया ये तो वो पूरी तरह से, जैसे पैर में हो रहा है तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अफेक्टेड पीपल फ्रिक्वेंटली आर अनेबल टू वर्क बिकॉज ऑफ दियर डिसेबिलिटी, तो ठीक है अगर कोई विकलांग हो गया तो उस तरह से अपने वर्क को वो कर नहीं पाएगा। वाइड रेंज ऑफ मॉस्किटो कैन ट्रांसमिट द पैरासाइट, क्या होता है, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, ये कुछ मतलब जो मॉस्किटो हैं जो कि इसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। अब देखो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये जो लार्वा है इनके आउट बाहर में क्या है, सीथ प्रेजेंट है जो कि होस्ट के इम्यून सिस्टम से इसको बचाता है। यहाँ पे ये माउथ प्रेजेंट है, ओरल स्टाइलेट है, इपीडर्मिस है, नर्व रिंग है, सोमैटिक सेल्स है, एनल पोर है, इंटीरियर मास है, टेल है, सीथ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इसको देख लेना, और क्या है, एक्सक्रीटरी पोर है। अब देखो बात करें लाइफ साइकिल की, तो ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया है, देखते हैं कुछ नया मिल जाए। फाइलेरियल लार्वी आर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द स्किन बाय बाइट ऑफ आर्थ्रोपोड इंटरमीडिएट होस्ट, यानी कि वही मॉस्किटो। लार्वी इन्वेड द लिम्फेटिक्स यूजुअली द लोअर लिम्ब, ये जो है हमारे लोअर लिम्ब यानी पैर पे अफेक्ट करता है। डेवलप इंटू एडल्ट वॉर्म, माइक्रोफिलेरिया आर लिबरेटेड इंटू ब्लड स्ट्रीम, ये हमारे ब्लड में आ जाता है। दे रिमेन इन पल्मोनरी सर्कुलेशन ड्यूरिंग डे, इमर्जिंग इनटू द पेरिफेरल सर्कुलेशन ओनली ड्यूरिंग नाइट, हाँ मतलब ये जैसे दिन के समय में हमारे ब्लड के बहुत डीप में रहेंगे लेकिन रात के समय में आउटर सरफेस पे आ जाएंगे। तो सोचो अगर मतलब हमको इसको डायग्नोस करना हो, मतलब पता लगाना हो कि किसी को फाइलेरियासिस है कि नहीं, तो हम उसका सैंपल लेंगे रात के समय में। जब रात के समय में लेंगे तो ब्लड में अगर ये मतलब फाइलेरिया रहेगा तो आ जाएगा, लेकिन अगर दिन के समय में सैंपल लेंगे तो क्या होगा, ये मतलब ब्लड के डीप में रहेंगे तो हम तो मतलब ब्लड ऊपर से निकालते हैं तो ये जो है इनका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहीं से इसका जो है डायग्नोस्टिक भी आपको पता चल गया होगा। तो अब देखो क्या है, पैरासाइट जब जो है शक करता है, जो वेक्टर है जब वो शक करता है ह्यूमन ब्लड को, तो ये मूव करता है इसके स्टमक में। व्हेन दे मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम लॉन्गर सिलेंडर फॉर्म टू प्लम्प सॉसेज शेप ऑर्गेनिज्म रेडी टू कॉज इन्फेक्शन टू अ न्यू होस्ट व्हेन बिटन बाय वेक्टर, बस उसी को कितना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखता है ये, जो हम सिंपली समझ चुके हैं। लार्वी माइग्रेट टू लिम्फैटिक वेसल्स लिम्फ नोड वेयर दे डेवलप इनटू माइक्रोफिलेरिया प्रोड्यूसिंग एडल्ट, माइक्रोफिलेरी इन्फेक्ट बाइटिंग मॉस्किटो इनसाइड द मॉस्किटो, माइक्रोफिलेरिया डेवलप इन फर्स्ट टू वीक इंटू इन्फेक्टिव फॉर्म जिसको हम बोलते हैं थर्ड स्टेज, जो हमने देखा था कि वहाँ पे मतलब पहले मोल्टिंग जो हो रही L1 L2 स्टेज बन रहा, तो वही बोला रहा है कि यहाँ पे जो माइक्रोफिलेरिया है वो डेवलप होता है 1 से 2 सप्ताह लगते हैं मतलब इसको मोल्ट करके L3 स्टेज तक पहुँचने में। ड्यूरिंग अ सब्सिक्वेंट ब्लड मील बाय द मॉस्किटो लार्वी इन्फेक्ट द ह्यूमन होस्ट माइग्रेट टू लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ नोड ऑफ ह्यूमन होस्ट वेयर दे डेवलप इंटू एडल्ट। तो यहाँ पे देखो इस तरह से ये जो है सबसे पहले क्या है, एक मॉस्किटो है जिसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोफिलेरिया लार्वा। तो यहाँ पे देखो एडल्ट इन लिम्फेटिक, हमारे लिम्फेटिक में ये इस तरह से जो है, अब देखो यहाँ पे ये बिल्कुल धागे के जैसे दिखाया गया है धागे नुमा। अब जो एडल्ट होते हैं ये प्रोड्यूस सीथ माइक्रोफिलेरिया दैट माइग्रेट इंटू लिम्फ एंड ब्लड चैनल्स,
फिर यहाँ पे जब जो है ये हमारे लिम्फ से क्या लेगा, जब ये हमारे लिम्फ से फिर से सक करेगा तो इसको इसके अंदर में क्या आ जाएगा, माइक्रोफिलेरिया। माइक्रोफिलेरिया सेड सीथ, यानी ये अपने सीथ को क्या करता है, सेड ऑफ कर देता है, यानी उतार देता है। इसी को बोलते हैं मोल्टिंग। पिनेट्रेट मॉस्किटो मिडगट एंड माइग्रेट टू थोरेसिस मसल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो दिखाया गया आपको L1 स्टेज, L1 के बाद डायरेक्ट दिखा दिया L3 स्टेज, फिर यहाँ पे ये जो है L3 स्टेज जो है माइग्रेट टू हेड एंड मॉस्किटो प्रोबोसिस, इसके प्रोबोसिस ग्लैंड में चला जाता है और फिर से जो है मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करेगा, फिर से ये डिजीज फैलेगा। तो इस तरह से ये सिंपल सा जो है टॉपिक था, इसको पढ़ना होगा पढ़ लेना, वही सारी चीज़ें जो है लिखी हुई हैं, सब कुछ वही घुमा घुमा के बार बार देता रहता है। ये यहाँ पे इसके स्पेसिस दिए हैं जो कि आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पैथोजेनिसिटी की बात करें तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय निमेटोड्स, जिसको हम बोलते हैं राउंड वॉर्म, यानी जो बाउचेरिया बैंक्रोप्टाई है इसी को राउंड वॉर्म बोलते हैं। इनहेबिट द लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड ऑफ ह्यूमन होस्ट, बाउचेरिया बैंक्रोप्टाई कॉज लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ये भी हमने देख लिया है। कॉज डिजीज फाइलेरियासिस, देखो मतलब बार बार रिपीट कर करके वही सेम चीज दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करता है, जो एडल्ट वॉर्म होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है फ्लो ऑफ लिम्फ इन लिम्फ नोड लिम्फेटिक वेसल्स, ड्रेनिंग द लोअर लिम्फ एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बिकम सोलन, इसके वजह से वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्किन बिकम थिक एंड फिसर्ड। डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एलिफेंटियासिस, यानी फाइलेरियासिस को ही हम क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस, क्योंकि यहाँ पे हाथी के जैसा, एलिफेंट के जैसा पाँव जो है हो जाता है। इन विच बॉडी पार्ट ग्रो इन इनॉर्मस साइज, मेजर सिम्टम इंक्लूड लिम्फेंगाइटिस, लिम्फीडिमा, हेडेक, मायल्गिया, हाइड्रोसील, काइलियूरिया। तो ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम जो हैं ये होते हैं। पैरासाइट डैमेज द लिम्फ वेसल्स, मोस्ट इन्फेक्टेड पर्सन हैव नो सिम्टम, विल नेवर डेवलप क्लिनिकल सिम्टम, यानी क्या होता है यहाँ पे कि कभी कभी सिम्टम पता ही नहीं चलते। दीज पीपल डू नॉट नो दे हैव लिम्फेटिक फाइलेरियासिस अनलेस टेस्टेड, मतलब जब तक टेस्ट नहीं किया जाता है इनमें कोई ऐसा सिम्टम नहीं आता, इस वजह से अगर किसी के अंदर फिलेरियल वॉर्म है भी तो पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर फिलेरियल वॉर्म है भी। स्मॉल परसेंटेज ऑफ पर्सन विल डेवलप लिम्फीडिमा, ठीक है। दिस इज कॉज बाई फ्लूड कलेक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ लिम्फ सिस्टम, जो कि मैंने आपको बताया था कि मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्लूड भर जाते हैं क्योंकि डायलेशन हो जाता है लिम्फ वेसल्स का। मोस्टली अफेक्ट द लेग बट कैन ऑल्सो अकर इन आर्म्स, ब्रेस्ट, जेनाइटेलिया। मोस्ट पीपल डेवलप दिस सिम्टम ईयर्स आफ्टर बींग इन्फेक्टेड, मतलब कई सालों बाद जो है ये दिखाई देता है। ये सब कुछ पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। डायग्नोस्टिक की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ब्लड सैंपल लेंगे क्योंकि ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, और कब लेंगे, मतलब रात में लेंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया क्योंकि ये रात में एक्टिव होते हैं। ब्लड कलेक्शन शुड बी डन एट नाइट टू कोइंसाइड विद अपीयरेंस ऑफ माइक्रोफिलेरिया, थिक स्मीयर शुड बी मेड एंड स्टेन्ड विद जीमसा एंड हिमेटोजाइलिन एंड इओसिन। तो इन सब मतलब इससे जो है स्टेन किया जाएगा ब्लड को, तब जो है इसका पता लगाया जाएगा। तो बस इतना सा याद कर लेना कि इनका जो ब्लड कलेक्शन है वो रात में किया जाता है, वैसे तो इतना डीप पूछेंगे है नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि हम मतलब इससे बच कैसे सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की, तो क्या है, बेस्ट वे टू प्रिवेंट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट, सबसे अच्छा यही है क्योंकि मच्छर के काटने से फैलता है, तो मच्छर की बाइट को अवॉइड करो। मॉस्किटो दैट कैरी द माइक्रोस्कोपिक वॉर्म यूजुअली बाइट बिटवीन द आर्स ऑफ डस्क एंड डॉन, यानी वही सूर्यास्त सूर्योदय के समय में। इफ़ यू लिव इन एरिया विथ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, एट नाइट स्लीप इन एयर कंडीशन रूम या फिर स्लीप अंडर अ मॉस्किटो नेट। तो वही है, सेम चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है, पढ़ लेना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम यहाँ पे। अब जो है नेक्स्ट अपना डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वुचरेरिया के बाद डिस्कस करते हैं हम एस्कैरिस, वो भी जो है इम्पॉर्टेंट है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। अब देखो क्लासिफिकेशन लास्ट में करेंगे ही, आगे बढ़ते हैं। जो एस्कैरिस होता है क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे, फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में है यानी हमारे अंदर है, यानी कैसे होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं। कॉस्मोपोलिटन होते हैं यानी हर जगह प्रेजेंट होते हैं। कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म, एस्कैरिस को ही हम राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। देखो राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म,
हुक वॉर्म, ये सब अलग अलग हैं, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। मैं आपको एक जगह इसको समराइज समरी वाले लेक्चर में इसको भी जो है एक जगह सारा बताऊंगी। राउंड वॉर्म क्या है, पिन वॉर्म क्या है, हुक वॉर्म क्या है, सब में डिफरेंस क्या है। तो क्या पता मतलब एस्कैरिस ना लिख के मान लो आपसे पूछ लेगा एस्कैरियासिस किससे होता है, तो आप तो बड़े चालाक बनोगे, एस्कैरियासिस एस्कैरिस से होता है, लेकिन वो एस्कैरिस ना लिख के वहाँ पे पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म इस तरह से नाम दे देगा, फिर तो आप फंस जाओगे। इस वजह से आपको इसका कॉमन नेम पता होना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखो कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म मोनोजेनेटिक नेमेटोड, यानी ये केवल इनका एक ही होस्ट होता है। टेपरिंग एंड बोथ इंड, टेपरिंग मतलब क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया, अनसेगमेंटेड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप होता है, वाइट पिंकिश कलर के होते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। फीमेल एस्कैरिस क्या होते हैं, लार्जर देन मेल एस्कैरिस, तो जैसे बुचरेरिया में होता है फीमेल बड़ी होती मेल छोटा, वैसे एस्कैरिस में भी क्या है फीमेल बड़ी और जो मेल है वो छोटा। अब ये कैसे होता है, डायोसियस इन नेचर, डायोसियस मतलब यही है कि मेल और फीमेल क्या होते हैं सेपरेट, यानी इनमें सेक्सेस सेपरेट होता है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। रेस्पायर एनएरोबिकली, जैसे ये हमारे मतलब होस्ट के बॉडी में रहते हैं तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है रिलेटिवली लेस, तो क्या होता है यहाँ पे इनको उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है नहीं, इस वजह से ये रेस्पायर करते हैं कैसे एनएरोबिकली। अब देखो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे अब्सेंट होते हैं क्योंकि इनको तो चिपकना है हमारी बॉडी से। दे नीड नॉट मूव इन सर्च ऑफ फूड, ये तो क्या है जहाँ मतलब एक जगह बैठे हैं, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड है ही, हमारा इंटेस्टाइन में गए और वहाँ से ब्लड सक करना स्टार्ट कर दिया, ना खाना पकाना है, ना खाने के बारे में कुछ सोचना है, बस खाते जाना है। तो इस वजह से इनको जब मूव करने की आवश्यकता ही नहीं है तो इनमें जो है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की भी आवश्यकता नहीं है। और हाँ, अब आप सोचेंगे मतलब जैसे देखो इनमें जो है जब इनको पका पकाया खाना मिल रहा है तो इस वजह से इनको क्या है किसी भी तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे बॉडी इज कवर्ड बाई टफ प्रोटेक्टिव क्यूटिकल, जिसे जो है ये हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में इतने सारे एंजाइम होते हैं, इससे ये क्या करते हैं बच जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, नॉट वेल डेवलप, हमने आपको बता ही दिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रिमिटिव विथ अब्सेंस ऑफ फ्लेम सेल। नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव, यानी जो कुछ भी है वो प्रिमिटिव टाइप का, यानी अल्प विकसित जिसको बोलते हैं। एडहेसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, हुक्स होता है जिसके थ्रू ये जो है हमारे बॉडी से चिपकते हैं। लो मेटाबॉलिक रेट होता है, जब पका पकाया खाना मिल रहा पकाने की आवश्यकता है नहीं तो मेटाबॉलिक रेट कैसा होगा, लो ही होगा। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इज वेरी हाई बाय लेइंग 2 लाख एग पर डे, यानी एक दिन में ये 2 लाख अंडे प्रोड्यूस करते हैं। विच इंश्योर द कंटामिनेशन ऑफ न्यू होस्ट, और इसके थ्रू ही क्या होते हैं मतलब कंटामिनेशन यानी ये इन्फेक्शन होता है। एग्स आर इनक्लोज इनटू अ प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको बोलते हैं सिस्ट, थ्राइव इन हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन, जिसके थ्रू ये हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं। हार्श कंडीशन क्या होता है, जैसे मतलब जो हमारे लिए फेवरेबल ना हो यानी अनफेवरेबल। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। एस्कैरिस यानी हुक वॉर्म एंड वीप वॉर्म आर नोन एज सॉयल ट्रांसमिटेड हेलमिंस, यानी पैरासिटिक वॉर्म, ये जो है हमारे मिट्टी में इनका जो सिस्ट है वो आ जाता है और उससे इन्फेक्शन होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं सॉयल ट्रांसमिटेड हेलमिंस। क्या बोलते हैं, सॉयल ट्रांसमिटेड हेलमिंस। फिर देखो एस्कैरिस लिव्स इन इंटेस्टाइन एंड एस्कैरिस एग आर पास्ड इनटू फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। एस्कैरियासिस इज कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग एग्स, जो इनके एग्स हैं वही जो है इन्फेक्शन करते हैं। तो जब मान लो किसी भी तरह से इनका एग्स हमारी बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, एस्कैरियासिस होगा। दिस कैन हैपन व्हेन हैंड्स आर फिंगर्स हैव कंटामिनेटेड डर्ट और ऑन देम आर पुट इन माउथ बाय कंज्यूमिंग वेजिटेबल्स, चाहे वो वेजिटेबल्स के थ्रू, फूड्स के थ्रू, पानी के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू अगर हमारी बॉडी में जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एस्कैरियासिस हो सकता है, जहाँ पे एस्कैरिस के सिस्ट प्रेजेंट होंगे, एग प्रेजेंट होंगे। पीपल इन्फेक्टेड विथ एस्कैरियासिस ऑफन शो नो सिम्टम, अगर किसी को जैसे हमने देखा फिलेरियासिस हुआ है, एलिफेंटियासिस हुआ है, तो वहाँ पे कोई सिम्टम नहीं आता, ठीक उसी तरह से एस्कैरिस में भी क्या है, कोई भी सिम्टम नहीं आता। एस्कैरिस इज ट्रीटेबल, यानी अगर किसी को एस्कैरिस हो गया तो उसको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, इस तरह से देखो जो है मेल और फीमेल क्या है अलग अलग होते हैं, जो फीमेल है वो बड़ी होती है, जो मेल है वो छोटा होता है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है, फेरिक्स प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन है, ये जो है दोनों में सेम हो गया। वॉश डिफरेंस है, टेस्टिस है, सेमिनल वेस्कल है, वल्वा है, वेजाइना है, यानी देखो जैसे हमारे केस में वॉश डिफरेंस, टेस्टिस, सेमिनल वेस्कल, ये हमने पढ़ाया था ना आपको रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में, तो आपको याद होगा। तो ठीक इनके भी मेल में ये सारी चीज़ें होती हैं, वॉश डिफरेंस, टेस्टिस, सेमिनल वेस्कल, ये सब।
फिर देखो यहाँ पे हमने वेजाइना, ओवरी, ओविडक्ट, यूटरस, ये मैंने आपको मतलब ह्यूमन के केस में बताया था, इनमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं। हमें भी रेक्टम एनस होता है, इनमें भी होता है। और यहाँ पे देखो टेल जो है इनमें इस्ट्रा होता है। और देखो मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है, जो फीमेल है यहाँ पे देखो टेल है, लेकिन जो मेल है यहाँ पे क्या है, क्लोएका है। और यहाँ पे क्या है, कपुलेटरी सैक, कपुलेटरी सिटी। और यहाँ पे देखो हमारी तरह क्या है, इजाकुलेशन डक्ट भी है। रेक्टम तो दोनों में कॉमन है। यानी अगर मेनली आप डिफरेंस की बात करोगे तो जो ह्यूमन के मेल में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं लगभग यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं मेल में, जो फीमेल में होते हैं ह्यूमन के वो यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ओवरी, ओविडक्ट, यूटरस, वजाइना, ये सारी चीज़ें। और अगर मेल और फीमेल में मेन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे देखो टेल प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे टेल नहीं है, यहाँ पे मेल के केस में क्या है, क्लोएका है। अब देखो लाइफ साइकिल की बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको जो है इसको नोट्स से बताती हूँ इसका लाइफ साइकिल। तब देखो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इनके लार्वा का नाम याद रखना क्या होता है, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। क्या होता है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, जो वाउचेरिया बैंक्रोटाई है उसके लार्वा का क्या नाम है कमेंट में टाइप करो। जो एस्कैरिस है उसके लार्वा का नाम है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, तो एस्कैरिस और वाउचेरिया दोनों का लार्वा जो है कॉमेंट में टाइप करो। अब यहाँ पे देखो जैसे मान लो ये जो है क्या है, एग है, एग के अंदर में क्या प्रेजेंट है, इसका जो है लार्वा, लार्वा का नाम क्या है, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। अब जो है जब भी किसी मनुष्य ने क्या किया, कंटेन किया उसने किसी भी मतलब फूड को या फिर कंटामिनेटेड वाटर को, तो इसके गट में क्या जाएगा, ये लार्वा जो है इसके गट में चला गया, फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। इस तरह से ये जो है गट से होते हुए सब जगह पर जाता है, और इंटेस्टाइन से वापस फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, इस तरह से ये जाता है। तो अब देखो जब ये इंटेस्टाइन में हमारे आते हैं तो यहाँ पे इनकी फोर्थ मोल्टिंग होती है। फोर्थ मोल्टिंग मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो चुका है, मतलब कई बार इनकी जो सीथ है वो सेड ऑफ हो चुकी है, यानी अब ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, एडल्ट फॉर्म है, तो ये जो है मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी यहाँ पे क्या होगी, मेटिंग होगी इनके बीच में। जब मेटिंग होगी तो क्या बनेगा, एग बनेगा, और फीसेस के थ्रू जब ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम और एनस से होते हुए जो है यहाँ पे जो फीसेस आएगा इसमें क्या होंगे, इनके एग जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब ये एग जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, फर्टिलाइज्ड हो सकते हैं और अनफर्टिलाइज्ड हो सकते हैं। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है यही क्या करता है, इन्फेक्शन को कॉज करता है। अब मान लो यहाँ पर जो सॉयल है इसमें जो है फीसेस जो है उसको खाद के रूप में किसी तरह से मिला दिया गया, तो अब ये जो एग्स थे, जो फर्टिलाइज्ड एग्स थे, वो यहाँ पर आ जाएंगे, इस सॉयल में आ जाएंगे, तो क्या करेंगे। अब मान लो इस सॉयल में क्या होगा, सब्जियां उगाई जाएंगी, फल उगाए जाएंगे, तो उन सब में जो है इनका जो एग है वो उनसे लगा हुआ जाएगा। तो जब उस कंटामिनेटेड फूड या वाटर को कोई लेगा तो उनके अंदर में ये जो है इनका जो एग है वो चला जाएगा, और फिर से ये जो है इस तरह से इन्फेक्शन कॉज करेगा। अब यहाँ से याद रखो जो लंग्स होते हैं यहाँ पे इनकी सेकेंड एंड थर्ड मोल्टिंग होती है, और इंटेस्टाइन में होती है इनकी फोर्थ मोल्टिंग। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, लंग्स में सेकेंड थर्ड मोल्टिंग होती है लेकिन यहाँ पे इंटेस्टाइन में होती है फोर्थ मोल्टिंग। अब देखो हार्ट में इनका जो लार्वा होता है वो हार्ट में जाता है, फिर लंग्स में आता है, फिर इंटेस्टाइन, फिर लीवर, इस तरह से ये जो है पूरे बॉडी में भ्रमण करता रहता है। तो देखो वही है, एग कंटेनिंग लार्वा When ingested with contaminated raw vegetable cause ascariasis. Ingested egg hatch in duodenum. यानी जो ingested egg है जिसको हम बोल रहे थे ना fertilized egg, वो कहाँ पर होता है, duodenum में hatch होता है। The larvae penetrate the intestinal wall, circulate in blood. From the heart they migrate to lungs, ascend to trachea, descend to esophagus, finally reach to small intestine and become adult. यानी ये हमारे small intestine में क्या होते हैं, adult होते हैं। Female pass immature egg which pass to soil and mature in 2 weeks. ये जब soil में आते हैं तो 2 सप्ताह में क्या होते हैं, mature हो जाते हैं। तो इस तरह से इसकी life cycle यहाँ पे दिखाई गई है। ये है यहाँ पे larva microfilaria, ये जो है human के कहाँ पे गया, हार्ट में गया, लंग्स में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन सारी जगहों पे जाएगा, और कुछ इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है मेल और फीमेल का। फिर देखो यहाँ पे जो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ये फीसेस। अनफर्टिलाइज्ड एग विल नॉट अंडरगो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, और जो फर्टिलाइज्ड एग है ये जो है आगे डेवलपमेंट करेगा और इस तरह से ये जो है मैच्योर होगा।
अब देखो यहाँ पे ये वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट करेगा। एडल्ट वर्म लिव इन ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फीमेल में प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 200,000 एग पर डे, विच आर पास्ट विद फीसेस। अनफर्टिलाइज एग मे बी इंजेस्टेड बट आर नॉट इन्फेक्टिव, फर्टिलाइज एग इम्ब्रियोनेट एंड बिकम इन्फेक्टिव आफ्टर 18 डे टू सेवरल वीक्स डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो वही जो हमने डिस्कस कर लिया वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इन्वेट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन टू लंग्स, लार्वे मेच्योर फर्दर इन लंग्स 10 to 14 डेज, पेनेट्रेट टू एल्वियोलर वाल, असेंड टू ब्रैंकियल ट्री ऑफ थ्रॉट एंड आर सोलूड। अपॉन रीचिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन दे डेवलप इन टू एडल्ट वर्म, बिटवीन 2 to 3 मंथ दे आर रिक्वायर्ड फ्रॉम इंजेशन ऑफ द इन्फेक्टिव एक्स टू ओवी पोजिशन बाई द एडल्ट फीमेल, एडल्ट वर्म कैन लिव 1 to 2 ईयर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हैं। और इसके पैथोजेनिसिटी की बात करें तो जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉयर्स होता है ये लार्जेस्ट एनिमेटोड होता है। यहाँ से देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिला कि ये कैसे होते हैं, लार्जेस्ट निमेटोड होते हैं, निमेटोड यानी राउंड वर्म होते हैं। पैरासिटाइजिंग द ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये जो है ह्यूमन इंटेस्टाइन को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। यहाँ पे इनका जो एडल्ट फीमेल और मेल है इनकी साइज भी लिखी हुई है, जो फीमेल है वो 20 to 35, जो मेल है वो 15 to 30 सेंटीमीटर होता है। इट काजेज एस्केरियासिस विच रिजल्ट इंटू इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वियोलाई टिश्यू, इंजरी टू वाइटल ऑर्गन, वाइल एडल्ट वर्म इन इंटेस्टाइन कॉज एब्डोमिनल पेन, मे कॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन स्पेशली इन चिल्ड्रेन, लार्वे इन लंग्स मे कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ निमोनिया लाइक सिम्टम। तो ये कुछ जो है चीज़ें यहाँ पे हमने और जो है डिस्कस कर ली। डायग्नोसिस की बात करें तो क्या करेंगे, हमने क्या देखा, इनका जो एक्स होता है वो हमारे स्टूल में होता है, तो हम क्या करेंगे, इनका जो सैंपल है वो स्टूल को लेंगे, फिर इसको जो है माइक्रोस्कोप वगैरह से जो है देखेंगे कि उसमें इसका एक्स है कि नहीं है। तो इस तरह से स्टूल के थ्रू इसका डायग्नोसिस किया जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो वैसे तो इन सब चीज़ों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मतलब इस केस में दी जाती हैं। अल्बेंडाजोन, यहाँ पे मिबेंडाजोन, ये सारी चीज़ें हैं मतलब जो कि एस्केरिस के केस में दी जाती हैं मेडिसिन, लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो बेस्ट वे क्या हो सकता है एस्केरिस को प्रिवेंट करने का, तो वही चीज़ें हैं जिससे ये होता है उसी को अवॉइड करना है। अवॉइडिंग इंजेस्टिंग सॉयल, मतलब कभी भी मिट्टी ना खाएं दैट मे बी कंटामिनेटेड विथ ह्यूमन फीसेस, जहाँ पे मतलब ह्यूमन फीसेस के थ्रू वो कंटामिनेट हो सकता है, इंक्लूडिंग वेयर ह्यूमन फीकल मैटर, ये सारी चीज़ें जो है। अब आप देखोगे वॉश पील कुक ऑल रॉ वेजिटेबल फ्रूट बिफोर ईटिंग पर्टिकुलरली दोज हैड ग्रोन इन सॉयल, तो यही सारी चीज़ें ना बार बार देंगी। अब यहाँ पे देखो वॉश योर हैंड विथ सोप, तो ये सब जो है कॉमन है, आपको पता होती पहले से, तो इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर बात करें एनसाइलोस्टोमा, तो ये देखो ये सब जो छोटे छोटे से पॉइंट हैं इसको भी मतलब एक दो ऑर्गेनिज्म और डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इसी में हमारा जो है ये पैरासिटिक हेलमिंथ्स कवर हो जाए, फिर एक वही मतलब जो भी बचेगा देख लेंगे उसको भी, 1 से 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। तो अब देखो जो एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल्स है इसको हम क्या बोलते हैं, हुक वर्म, क्या बोलते हैं, हुक वर्म। एस्केरिस क्या था, राउंड वर्म, और एनसाइलोस्टोमा क्या है, हुक वर्म, तो इसको जो है याद रखना। एस्केरिस भी कैसा था, मोनोजेनेटिक, ये भी कैसे होते, मोनोजेनेटिक। बॉडी वेंट्रली कर्व होती है, मतलब कुछ इस तरह से ये होते हैं, मतलब वेंट्रली ये कर्व्ड होते हैं, मुड़े हुए थोड़े से। फीमेल आर लार्जर, तो बुचरेरिया में भी वही हमने देखा फीमेल लार्ज है, एस्केरिस में भी फीमेल ही लार्ज है, और यहाँ भी जो है एनसाइलोस्टोमा में भी फीमेल ही लार्ज है। सिक्रीट्स एंटीकोगुलेंट, ये जो है यहाँ पे एक नया पॉइंट मिला कि ये जो एनसाइलोस्टोमा है ये जो है एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। इनार्मस नंबर ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे ये भी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स इनका भी हाई फर्टिलिटी रेट है। माइन्यूट साइज रेजिस्टेंस नंबर ऑफ एक्स हेल्प इन देयर वाइड डिस्पर्सल, यानी जो एक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। मैंने आपको 1 से 2 लेक्चर पहले बताया है रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपको डांट पड़ी तो और आप दोबारा से वही गलतियां कर रहे हैं जो पहले करते थे, डांट पड़ी मार पड़ी फिर भी वही गलती कर रहे हैं, मतलब आप जो है ना डांट और मार के प्रति क्या हो गए हैं, रेजिस्टेंस हो गए हैं, मतलब मैं तो गलती करूंगा ही करूंगा चाहे कुछ भी कर लो। तो ठीक उसी तरह से ये एक्स होते हैं, मैं तो जो है स्प्रेड होऊंगा ही होऊंगा चाहे कुछ भी कर लो, कैसा भी कंडीशन दे दो। तो वही यहाँ पे सेक्रेट सेपरेट का मतलब होता है कि मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं।
हुकवर्म यानी एंसाइलोस्टोमा डिओडिनेल्स इज अ नेमेटोड दैट मेनली पैरासिटाइज्ड ह्यूमन के अलावा डॉग्स, कैट, पिग्स, इन सारी चीज़ों में भी ये मतलब बीमारी कॉज कर सकते हैं। देखो जो ये जो ड्यूडिनेल इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को मेनली थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी ये डायरेक्टली जो है डायरेक्ट कांटेक्ट थ्रू क्या होता है इन्फेक्शन करता है। ट्रांसमिटेड थ्रू द कंजप्शन ऑफ अंडर कुक्ड मीट, लैम्ब, बीफ, पोक, यानी इन सब चीज़ों का जब मीट जो है अगर थोड़ा मतलब पूरी तरह से नहीं पका हुआ है और अगर उसका कंजम्पशन किया जाए तो ये बीमारी जो है फैल सकती है। इन्फेंट आर मोर वल्नरेबल देन एडल्ट, यानी ये जो है बच्चों में जल्दी हो सकता है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। इसको जो है एक बार अच्छे से देख लेना। यहाँ भी देखो क्लोएका वगैरह सब कुछ कॉमन है, कुछ कुछ चीज़ें जो है डिफरेंट है। यहाँ पे जैसे देखो सीमेंट ग्लैंड, जो सीमेंट ग्लैंड है ये जो है अलग है, डिफरेंट है बिल्कुल। यहाँ पे गोनोपोर है और क्या है दोनों में ही सिफेलिक ग्लैंड प्रेजेंट है। सीमेंट ग्लैंड केवल मेल में है यहाँ पे, हाँ, और जो सिफेलिक ग्लैंड है वो सीमेंट ग्लैंड केवल मेल में है, सिफेलिक ग्लैंड मेल फीमेल दोनों में है, और सिफेलिक के अलावा सर्विकल ग्लैंड भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ नए नए ग्लैंड दिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। लाइफ साइकिल की बात करें तो ये मोनोजेनेटिक नेचर होता है, एक ही होस्ट होता है इसका, दैट मीन्स मैन लिव इन स्मॉल इंटेस्टाइन, फीमेल लेज एग, कंटेन इमेच्योर एम्ब्रियो इन फोर सेल स्टेज, यानी ये जो है इनका जो इमेच्योर एम्ब्रियो होता है उसमें फोर सेल स्टेज होता है, यानी फोर सेल स्टेज यानी फोर सेल होते हैं। हैच इंटू लार्वा, ये जो एग है वो लार्वा में हैच हो जाएगा। मोल्ट ट्वाइस, यानी दो बार इसमें मोल्टिंग होगी तब ये जाके क्या होंगे इन्फेक्टिव होंगे। फिलेरी फॉर्म लार्वा पेनेट्रेट द स्किन, दे सर्कुलेट इन ब्लड, रीच द लंग्स, असेंड द ट्रैकिया, डिसेंड टू ओसोफेगस, रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बिकम एडल्ट वेयर दे गेट अटैच टू म्यूकोसल लाइनिंग, फीड ऑन ब्लड ऑफ होस्ट। ये सेम लाइन है किसकी, एस्काइडिस का भी। तो दोनों में ये दोनों चीज़ें क्या हैं कॉमन है, यानी हार्ट से हमारे लंग में, लंग से कहाँ गए स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से दोबारा से ये जो है लंग्स में इस तरह से जो है सर्कुलेट करते रहते हैं। एक्स आर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो पास होता है विथ होस्ट फीसेस अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन, हैच इंटू रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, वेट टू इन्फेक्ट अ न्यू होस्ट थ्रू स्किन कॉन्टैक्ट, यानी जो है ये स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या करते हैं फैल सकते हैं। और इसमें लार्वा क्या होता है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा ही इसमें भी होता है। तो अब देखो यहाँ पे जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखो फिलेरी फॉर्म लार्वा, ये जो है फिलेरी फॉर्म लार्वा है। तो जो फिलेरी फॉर्म लार्वा है जैसे मान लो उस पर आपका पैर पड़ गया तो क्या होगा, वो जो है आपके स्किन के थ्रू पिनेट्रेट कर जाएगा, आपकी बॉडी में चला जाएगा। यहाँ पे किसी मच्छर मक्खी इन सब की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर मतलब गलती से उसके एग पे आपका पैर पड़ गया तो क्या होगा वो आपके बॉडी के अंदर पिनेट्रेट कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बॉडी के अंदर हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया ये इस तरह से इसका लार्वा। तो अब ये जो एग्स होते हैं इस फीसेस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा में। तो ये जो है यही लार्वा जब मतलब स्किन कॉन्टैक्ट में आता है तो हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा इसका लाइफ साइकिल है, कुछ भी नहीं है, मतलब अगर गलती से इसके एग पे आपका पैर पड़ा तो आपके अंदर ये चला जाएगा, पैर नहीं हाथ कुछ भी हो सकता है। इसको जो है पढ़ लेना, पैथोजेनेसिटी की बात करें तो एंसाइक्लोस्टोमा क्या करता है, एंसाइलोस्टोमियासिस करता है, क्या करता है एंसाइलोस्टोमा एंसाइलोस्टोमियासिस करता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी इसके वजह से ब्लड कॉजिंग आयरन डिफिशियंसी यानी एनीमिया हो सकता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो बहुत सारे ड्रग्स मौजूद हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, यानी एंसाइक्लोस्टोमियासिस के लिए ड्रग्स के नाम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बात करें कंट्रोल की तो क्या करना चाहिए, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल इन अफेक्टेड एरियाज, कीप सॉइल फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन ऑफ लार्वी, एजुकेट द पीपल इन एंडेमिक एरिया कंसर्न द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, वेयर शूज रेगुलरली, इन सब मतलब जो है शूज जूते जो है पहनने चाहिए कभी भी बाहर वगैरह जब भी घूमने टहलने जाओ तब। अब देखो बात करें इंट्रोवियस की तो इंट्रोवियस जो होता है इसको क्या बोलते हैं पिन वॉर्म। तो देखो ये जो वॉर्म है ये जो है पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म,
तो इन सबको मैं लास्ट में समराइज कर दूंगी। अभी के लिए यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं क्या है, ये भी कैसे होते हैं। मोनोजेनेटिक पैरासिटिक नेमेटोड होते हैं, वाइट इन कलर होते हैं, फीमेल इसमें भी लार्ज होती है। ये जो है रहते हैं हमारे अपर पार्ट ऑफ कोलन, ये जो है सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इनका जो हैबिटेट होता है वो होता है हमारा अपर पार्ट ऑफ कोलन। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अकर्स, यानी यहाँ भी मेल और फीमेल क्या होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। टेल ऑफ फीमेल इज लॉन्ग एंड पॉइंटेड, पॉइंटेड यानी हम कह सकते हैं यहाँ भी टेपरिंग एंड होता है, लेकिन किस में, केवल फीमेल के केस में। मेल इज ब्लंट एंड कर्व, मेल के केस में क्या होता है, इनका जो टेल होता है वो ब्लंट यानी मोटा होता है और कर्व्ड यानी मुड़ा हुआ होता है। मेल इज मोनार्चिक व्हाइल फीमेल इज डाइडेल्फिक, दैट मीन्स पॉजिटिंग टू वोम्ब। पिनवॉर्म इन्फेक्शन इज कास्ड बाई स्मॉल थिन वाइट राउंड वॉर्म, जिसको बोलते हैं इंट्रोवियस वर्मिकुलरिस, इसका पूरा नाम है इंट्रोवियस वर्मिकुलरिस। ऑल्दो पिनवॉर्म इन्फेक्शन कैन अफेक्ट ऑल पीपल, इट मोस्ट कॉमनली अकर्स एमंग चिल्ड्रन, ज़्यादातर ये बच्चों में जो है हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो आपको देख के पता चल रहा होगा जो फीमेल है उसमें टेपरिंग एंड होता है, जो मेल होता है यहाँ पे एक सेकेंड देखो यहाँ पे जो कर्व्ड होता है वो किसके केस में होता है, मेल के केस में, और जो सीधा सा मतलब पॉइंटेड सा टेल होता है वो होता है फीमेल के केस में। तो इतना सा जो है आप ज़रूर याद रखना, बाकी यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो कि आप एक बार देख सकते हो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो हमने देख लिया ये कैसे होते हैं, मोनोजेनेटिक इन नेचर, लाइफ साइकिल इज सिंपल विथ मैन बीइंग ओनली वन होस्ट, केवल एक ही होस्ट होता है जो कि मैन है। एडल्ट वर्म लिव्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द मेल डाइज, यहाँ पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो मेल होता है वो मर जाता है। फीमेल मूव्स आउट थ्रू एट नाइट टू एनस टू ग्लू इट्स एग ऑन द पेरी एनल स्किन, यानी हमारे कोलन वाले एरिया में। द एग्स आर प्लेनो कॉन्वेक्स एंड कंटेंस लार्वा, जो एग्स होते हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लार्वा प्रेजेंट होता है। व्हेन द एग आर सोलोड दे हैच इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्वी माइग्रेट टू लार्ज इंटेस्टाइन टू बिकम एडल्ट, यानी ये जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एडल्ट बनते हैं। तो इस तरह से देखो यहाँ पे जो है इसका इम्ब्रियोनेटेड एग्स है जो कि इंजेस्ट किया जाता है ह्यूमन के द्वारा, फिर ये जो लार्वा है ये हैच करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर ये जो है मैच्योर होगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर यहाँ से एग्स ऑन पेरी एनल फोल्स लार्वी इनसाइड द एग्स मैच्योर इंटू 4 to 6 आवर, यानी 4 से 6 घंटे के लिए ये जो है वहाँ पर मैच्योर होता है। तो इस तरह से वही चीज़ें जो अभी हमने शॉर्ट में देखा वही उसी को थोड़ा मतलब डिटेल में लिख दिया गया कि कैसे कैसे जाएगा क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप जो है पढ़ लेना। पैथोजेनिसिटी की बात करें तो हमने देख ही लिया ये जो है स्कूल एजेस चिल्ड्रन के बीच में मैक्सिमम होता है मोर कॉमनली। कुछ भी नया नहीं दिख रहा यहाँ पे, देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख ना लगना, इनसोम्निया नींद ना आना, हिस्टेरिया रेस्टलेसनेस बेचैनी होना, इन्फ्लामेशन टू द पेशेंट, मतलब जिसको भी मतलब जैसे बच्चों के केस में होता तो उनको भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, और क्या होगा इनसोम्निया, यानी इनसोम्निया तो हो गया, भूख नहीं लगेगा, बेचैनी होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। डायग्नोसिस की बात करें तो ये जो है मैक्सिमम क्या है, एसिम्प्टोमेटिक, कोई भी सिम्टम यहाँ पे नहीं आता है, तो बट ईचिंग अराउंड द एनस इज कॉमन सिम्टम, लेकिन जो है एनस के अराउंड ईचिंग हो सकता है, तो ये छोटा सा सिम्टम हो सकता है, अदरवाइज इसमें कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं। बात करें इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की तो वही है, अगर ये मतलब फीसेस के थ्रू जा रहे हैं, वॉशिंग योर हैंड एंड सोप एंड वॉर्म वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, चेंजिंग डाइपर बिफोर हैंडलिंग फूड इज मोस्ट सक्सेसफुल वे टू प्रिवेंट पिनवॉर्म इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो इसको भी पढ़ लेना। यहाँ पे देखो क्या है, इन्फेक्टेड पीपल शुड नॉट को विथ
विथ अदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो कभी भी उसके साथ में नहाना नहीं चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे हो ही गया। फिर आ गया विचरेरिया, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से जो है हमारे प्लेटीहेलमिंथिक जो पैरासिटिक प्लेटीहेलमिंथ्स भी कंप्लीट हो गए। एक हमारा पैरासिटिक प्रोटोजोआ रह रहा है मलेरिया वाला, उसको भी डिस्कस कर लेंगे और उसी के साथ में हम जो है इसको समराइज कर लेंगे। फिर हमारा पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिश टेक्नोलॉजी, ये कुछ टॉपिक इसमें रह जाएंगे, तो उसको भी हम जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।